नमस्कार। हम देखते हैं कि दिन भर शेयर प्राइस बदलती रहती है। स्टॉक मार्केट शुरू होने से स्टॉक मार्केट बंद होने तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो इस लगातार बदलते हुए शेयर प्राइस को देखकर कई बार मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये शेयर प्राइस क्यों बदलती रहती है। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। दुनिया में लगभग सारी चीज़ें सप्लाई एंड डिमांड के लॉ पर चलती है और ये लॉ हमारे डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई होता है। चलो तो इस सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि एक घर की नीलामी चल रही है और वो घर आपको पसंद आता है। जब आप वहाँ पहुँचते हो तब आपको पता चलता है कि और 9 लोग उस घर को खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है क्योंकि घर एक ही है, और घर की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि घर खरीदने वाले 10 लोग हैं। सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उस घर के लिए बोली लगेगी और जो बोली सबसे ज़्यादा होगी उस पर वो घर बेचा जाएगा। वही अगर नीलामी के लिए 10 घर है जो बिल्कुल ही सेम है और जिनकी प्राइस भी बिल्कुल सेम है, और आप उन 10 में से कोई भी एक घर खरीदना चाहते हो, जब आप घर खरीदने के लिए उनकी नीलामी में जाते हो तब आपको पता चलता है कि उन घरों के लिए आप अकेले ही खरीदार हो। तो यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि घर 10 हैं और डिमांड बहुत कम है क्योंकि खरीदने वाला एक ही है जिसे सिर्फ एक ही घर खरीदना है। अब घर की जो बेस प्राइस है उस पर, या जो आपको कम प्राइस में घर देने के लिए तैयार होगा उस प्राइस पर आपको घर मिल जाएगा। जब खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं यानी डिमांड ज़्यादा होती है और बेचने वाले कम होते हैं यानी सप्लाई कम होती है, तब प्राइस बढ़ने लगती है। सिमिलरली जब बेचने वाले ज़्यादा होते हैं यानी सप्लाई ज़्यादा होती है और खरीदने वाले कम होते हैं यानी डिमांड कम होती है, तब प्राइस गिरने लगती है। तो इस तरह चाहे शेयर प्राइस हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्राइस हो या रियल एस्टेट प्राइस हो, ये सब सप्लाई एंड डिमांड की वजह से बदलती है। जब शेयर बेचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और शेयर खरीदने वाले कम होते हैं तो शेयर बेचने वाले लोग अपने शेयर्स कम प्राइस पर बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सिमिलरली जब शेयर खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और शेयर बेचने वाले लोग कम होते हैं तो शेयर खरीदने वाले लोग शेयर्स खरीदने के लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब किसी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही होती है या उस कंपनी से रिलेटेड कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो कई बार ऐसी कंपनीज के स्टॉक में बहुत कम बायर्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है और कभी कभी लोअर सर्किट भी लग जाता है। तो प्राइस चेंज होने का कारण है सप्लाई और डिमांड, और सप्लाई और डिमांड बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। ट्रेडर्स शेयर का प्राइस चार्ट देखकर उसे खरीदते या बेचते हैं। कोई न्यूज़ के बेसिस पर शेयर्स खरीदते हैं तो कोई बस ऐसे ही स्पेकुलेट करने के लिए शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। तो इस तरह शेयर की सप्लाई एंड डिमांड बदलने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली शेयर्स खरीदने और बेचने वाले अवेलेबल होते हैं। अलग अलग रीजंस की वजह से शेयर की सप्लाई एंड डिमांड लगातार चेंज होती है जिससे शेयर प्राइस लगातार चेंज होती रहती है। हम देखते हैं कि कई बार प्याज के भाव बहुत बढ़ जाते हैं और कई बार बहुत कम हो जाते हैं। प्याज का भाव बहुत बढ़ रहा है मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ठीक फसल ना होना, किसानों का अनशन पर जाना, मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करना, दैट इज़ कुछ व्यापारी प्याज का इलीगल स्टोरेज करके मार्केट में उसकी शॉर्टेज पैदा करते हैं जिससे सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जब प्याज के रेट्स बहुत कम होते हैं तब उन्हें अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं ताकि जब प्याज के रेट्स बढ़ जाए तो उससे उन्हें कोई भी फर्क ना पड़े। इसी तरह वैल्यू इन्वेस्टर्स फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जब उन्हें कम प्राइस पर मिलते हैं तब उन्हें खरीद लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी शेयर प्राइस कैसे चेंज होती है इसके बारे में पता चले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।